हाउ टू सेलेक्ट प्रोडक्ट। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे क्लिकबैंक के ऊपर। जो भी आपको प्रोडक्ट है सेलेक्ट करना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप कौन से नीच आपको फाइन आपने सेलेक्ट कर ली होगी, अब आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है। यदि आपने कोई नीच सेलेक्ट नहीं किया है या आपने ऐसा नहीं सोचा है कि मैंने कोई नीच नहीं किया मेरे को डायरेक्ट प्रमोट करना है, तो भी आप कोई भी प्रोडक्ट है प्रमोट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले चलता हूँ क्लिक बैंक के ऊपर और आपको बता दूँगा। ये मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आएंगे, अब कोई भी नीच आपने, ये कैटेगरी है पूरी पूरी क्लिक बैंक की, इसमें कितने प्रोडक्ट होंगे आप देख सकते हैं, लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं यहाँ। ये कैटेगरी है, ये सब कैटेगरी है, तो टोटल 100 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे इस क्लिक बैंक के। यदि आपने कोई भी प्रोडक्ट या फिर नीच आपने सेलेक्ट नहीं किए तो आपको कैसे आपको फाइंड करना है, तो क्लिक मार्केट प्लेस पर, मार्केट प्लेस से फाइंड प्रोडक्ट, यहाँ पे सिर्फ सर्च प्रोडक्ट पे करना है। यहाँ पे रैंकिंग वगैरह भी कोई भी छेड़छाड़ी नहीं करनी है आपको। हाँ ज़्यादा हो सकता है तो ग्रेविटी पर देख सकते हैं, ज़्यादा ग्रेविटी वाले कौन से हैं, जो ग्रेविटी से सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं वो प्रोडक्ट ग्रेविटी में आते हैं। मतलब ग्रेविटी का मतलब ये है कि बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर ने उन्होंने प्रोडक्ट को सेल किया है। जो फर्स्ट पेज है उस पेज के जितने भी प्रोडक्ट है वो आप आराम से प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं। अब प्रमोट करने से लिंक कैसे जनरेट करें, तो ये एग्जीप्योर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा लोग प्रमोट करते हैं। जहाँ ज़्यादा कंपटीशन जहाँ है वहीं आपको सेल मिलेगी, क्योंकि लोगों को पता है, क्योंकि बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर प्रमोट इसलिए करते हैं कि बहुत सारे लोगों को भी पता है। यहाँ प्रमोट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ट्रैकिंग कोड डाल सकते हैं, ट्रैकिंग कोड नहीं डालते तो कोई दिक्कत नहीं, जनरेट हॉप लिंक, यहाँ ये हॉप लिंक जनरेट होगी आपकी, ये देखिए। और जो भी आप लैंडिंग पेज में बनाते हैं तो ये हॉप लिंक डालिएगा, विदाउट हॉप लिंक आपकी आपने बना दिया तो कोई मतलब नहीं। यदि हॉप लिंक कैसे चेक करें वो भी बताऊँगा मैं, ये देखिए, यहाँ ऑर्डर टू ऑर्डर नाउ और एड टू कार्ट। अब यहाँ हॉप लिंक आपको बताता हूँ, ये देखिए विदेश 99, ये एफिलिएट मैंने डाला, मेरी लिंक है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्स्ट पेज के जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें से एक प्रोडक्ट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। हाई ग्रेविटी वाले प्रोडक्ट हैं, एक बार आपका बजट ज़्यादा नहीं है तो सेलेक्ट नहीं करना है, आपको फर्स्ट पेज के जो सबसे नीचे हैं वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें ग्रेविटी 150 हो, या फिर आप सेकेंड पेज वाले जो भी प्रोडक्ट हैं वो आंखें बंद करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो 150 है और 141 है ग्रेविटी इसकी, बायोफिट है, फिर कोई भी इसमें से ले सकते हैं, सोल मैनिफेस्टो स्टेशन है, ये सोल मैनिफेस्टो मेक 1000 से डे फ्यू, लैंडिंग पेज देखिएगा पहले उसका, जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका लैंडिंग पेज एक बार देखिएगा, इमेज शो ऐप रिव्यू, फेसबुक एड और प्रोडक्ट इमेज बैनर ब्लॉग पोस्ट फेसबुक एड, मैं रिकमेंडेड करूँगा फर्स्ट आपको, यहाँ मेल आईडी डाल करके आप, सॉरी यहाँ पे क्लिक बैंक की आईडी डाल के जनरेट कर सकते हैं हॉप लिंक। तो उनका बैनर वगैरह वगैरह वीडियो वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है लैंडिंग पेज के ऊपर, वहाँ से ले सकते हैं फेसबुक के ऐड के, एक मिनट फेसबुक ऐड, फिर यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है फर्स्ट और सेकंड दो पेज की कोई भी प्रोडक्ट कर सकते हैं, लेकिन डॉलर मिनिमम 50 से कम नहीं होना चाहिए, एवरेज कमीशन है वो आपको 50 से ऊपर होना चाहिए, वही प्रोडक्ट आप प्रमोट करिए, अदरवाइज किसी भी प्रोडक्ट में आप प्रमोट नहीं करें, क्योंकि वो प्रमोट करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि $50 से लगभग समथिंग तो आपका एड बजट भी चला जाएगा, उसके बाद आपको सेल मिलेंगे, सेल मिलेगी। अब एड चलने के बाद सेल कैसे आएगी और कितने क्लिक के ऊपर सेल आएगी वो भी हम नेक्स्ट मॉड्यूल में बताएंगे आपको। तो जो भी जिसमें से प्रोडक्ट है आप फर्स्ट एंड सेकेंड में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद उसका लैंडिंग पेज के ऊपर आप ये हॉप लिंक डाल के प्रमोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में मॉड्यूल में धीरे धीरे बताएंगे, इस मॉड्यूल में हमने बात की है हाउ टू प्रमोट, सॉरी हाउ टू सेलेक्ट प्रोडक्ट। तो फर्स्ट एंड सेकेंड दो पेज में से एक पेज को आपको सेलेक्ट कर लेना है। इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोडक्ट की कैसे प्रमोट करें। थैंक यू।